नमस्कार मित्रों, मैं देवेश पंडा ज्योतिष आचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तीन मूलांक के जातकों के बारे में। इनके स्वभाव कैसे होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे तीन मूलांक के जातकों को, जिनका भी जन्म 3/12/21 और 30 को हुआ है, 30 तारीखों को हुआ है। मित्रों, उनका मूलांक 3 होता है। मित्रों, तो आगे बढ़ने से पहले मित्रों, मेरा एक प्रेम भरा आपसे निवेदन है, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। मैं कंटिन्यूशन में वीडियो डाल रहा हूँ मित्रों, मुझे उम्मीद है मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, तो कृपया वीडियोस को लाइक जरूर करें, हो सके तो शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो समय पर आए और जल्द आपको मिल पाए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीन मूलांक के बारे में बात करते हैं। तीन मूलांक का जो स्वामी ग्रह होता है मित्रों, वो बृहस्पति ग्रह होता है। तीन मूलांक को झुकना कभी पसंद नहीं होता मित्रों, ये किसी के सामने भी झुकना पसंद नहीं करते। ऐसे जातक बहुत स्वाभिमानी होते हैं, है ना, किसी का एहसान अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, या किसी के सामने आप ऐसा कर सकते हैं कि हाथ फैलाना नहीं चाहते, है ना। बहुत खुदगर्ज और स्वाभिमानी किस्म के लोग होते हैं और अपने जीवन में किसी का हस्तक्षेप भी ज्यादा पसंद नहीं करते मित्रों, कि कोई उनके जीवन में हस्तक्षेप करे या दखलअंदाजी करे। बहुत साहस से परिपूर्ण होते हैं मित्रों इन लोग, है ना, अद्भुत साहसी होते हैं, हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पे ही चलना पसंद करते हैं और किसी भी कार्य को करने से ये लोग डरते नहीं है मित्रों, इनकी एक खास बात होती है। मेहनत से काम करते हैं, है ना, ये बहुत मेहनती होते हैं और जो भी काम करते हैं उसे मन लगा के करते हैं। इन्हें घर में बैठ के दूसरों के सहारे जीवन जीना बिल्कुल पसंद नहीं होता मित्रों, है ना। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये लोग बहुत खुदगर्जी और स्वाभिमानी होते हैं, तो ये किसी पे भी निर्भर रह के जीवन यापन करना इन्हें पसंद नहीं होता। इनमें एक विशेष गुण होता है दूरदर्शिता का, है ना। ये जातक काफी दूरदर्शी होते हैं, इनकी छठी इंद्री जिसे सिक्स सेंस भी कहते हैं मित्रों, वो काफी स्ट्रांग होती है, है ना। ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि किसमें इनको लाभ है और किसमें इनको नुकसान है, है ना। रचनात्मक कला में भी माहिर होते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह इनका स्वामी है, स्वामी ग्रह है, इसलिए कलात्मक और रचनात्मक होते हैं, है ना। और सर्वगुण संपन्न भी होते हैं इनको, और भी बहुत सारे गुणों में इनकी मास्टरी होती है मित्रों। उच्च शिक्षा का योग होता है, है ना। ये लोग काफी एजुकेटेड होते हैं, काफी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, इनकी रुचि विज्ञान और साहित्य में ज्यादा होती है मित्रों। मूलांक वाले लोगों को घुड़सवारी बहुत पसंद होता है मित्रों, इनको घुड़सवारी करना और निशानेबाजी करना इनको काफी अच्छा लगता है, खेल कूद में इनकी रुचि काफी रहती है। कई जातक अपना करियर, है ना, स्पोर्ट्स में ही बनाते हैं मित्रों। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव शुरुआत में रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आर्थिक स्थिति में प्रगति करते रहते हैं मित्रों, है ना। शुरुआती दौरान में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन बाद में ये जातक काफी अच्छा धन संचय करते हैं और काफी ग्रो करते हैं मित्रों। इनको थोड़ा सा रिश्तेदारों का सहयोग कम मिलता है और दोस्तों का सहयोग इनके जीवन में काफी देखने को मिलता है, खासकर 3, 6 और 9 मूलांक के जातकों का। यदि ये जातक इनके दोस्त हैं तो इनका इनके साथ काफी अच्छा सामंजस्य बना रहता है मित्रों, और एक दूसरे को काफी सहयोग करते हैं। एक इनमें और अजीब सी बात होती है, ये तीन मूलांक के जातकों का प्रेम संबंध थोड़ा सा अस्थायी होता है और कई बार एक से ज्यादा विवाह, मतलब कई बार कई लोगों के तीन मूलांक के जातकों को मतलब डबल विवाह भी देखा गया है। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी के, है ना, लेकिन तीन मूलांक में क्योंकि थोड़ा सा प्रेम संबंध अस्थायी होता है, लंबे समय तक चलता नहीं है, है ना। अरेंज मैरिज इनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है, यदि ये लव मैरिज करते हैं तो कई बार ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं मित्रों, है ना। तो इनके लिए सुझाव है कि इन्हें अरेंज मैरिज ही करना चाहिए मित्रों। तो आज हम काफी चर्चा कर लिए तीन मूलांक के जातकों के बारे में, मुझे उम्मीद है मित्रों आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो इसके साथ मैं विदा लेता हूँ, कल फिर मिलते हैं मित्रों, चार मूलांक के जातकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जय माता दी, नमस्कार मित्रों।